नमस्कार, स्टेटमेंट टीवी पर आप सभी का स्वागत है। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। माचिस से लेकर गैस सिलेंडर के रेटों में आज से बदलाव देखने को मिले हैं। हम आपको ऐसे ही कई सर्विस के बारे में बता रहे हैं जिन जियो ने आज से अपने टैरिफ प्लान महंगे कर दिए हैं। अब जियो का 76 रुपए वाला रिचार्ज 91 रुपए, 129 रुपए वाला प्लान 155 रुपए, 199 वाले प्लान में दिनों की कटौती की है, यानी 199 रुपए वाले रिचार्ज में अब 23 दिनों की वैधता मिलेगी। 399 वाला प्लान 479 रुपए में मिलेगा। माचिस की कीमत 14 साल बाद दोगुनी हो गई है। अब आपको 1 रुपए की माचिस की डिब्बी के लिए 2 रुपए खर्च करने होंगे। आज से स्टार प्लस, कलर्स, सोनी और जी जैसे चैनल्स के लिए 35 से 50% तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सोनी चैनल को देखने के लिए 39 रुपए की जगह 71 रुपए प्रति माह देने होंगे। इसी तरह जी चैनल के लिए 39 रुपए की बजाय 49 रुपए महीना देने होंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.9 से घटाकर 2.8% करने का फैसला किया है। अब SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले EMI ट्रांजैक्शन के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने यह घोषणा की है कि आज से EMI ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड धारकों को 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस और उस पर टैक्स चुकाना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने का समय दूसरी बार बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया गया है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 18 और 19 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। पहले आवेदन के लिए 25 नवंबर उसके बाद 30 नवंबर तक का समय था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया है। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.